देखिए ये पैनल रिपेयर के लिए मैंने उलट के रखा है, यानी ये फ्रंट नहीं है इसका, ये जहाँ पे बैक लाइट होता है ये उस साइड का है। यहाँ पर दिखा दें आपको, ये है ये पैनल का नंबर है, ठीक है। और ऐसे अगर देखेंगे तो ये है इसका अंदर का साइड। अब ऐसा हमने इसलिए किया है कि जैसे ये देखिए ये साइड गेट कब है, ठीक है, ये तो इसमें क्या होता है कि जब ये गेट कफ को थोड़ा सा ऊपर की साइड में इसे पलटा जाता है इसके नंबर को देखने के लिए, या यहाँ टेस्ट पॉइंट को इसके वोल्टेज चेक करने के लिए, वोल्टेज और सिग्नल को जब यहाँ पे टेस्ट आउट करने के लिए इसे ऊपर की तरफ खींचा जाता है, तो ये कभी कभी यहाँ पे जो है लाइनिंग इशू हो जाता है, ठीक है, इसके इंटरनल। अब इसमें आसान ये होता है कि इस कफ को खींचना नहीं पड़ता, ये नीचे से जैसे सीधा है ऐसे ही इसके टेस्ट पॉइंट को चेक करके और इसके फॉल्ट को टेस्ट आउट करके सही कर दिया जाता है, जिससे कोई भी ऐसा इशू नहीं होता कि जो इसको थोड़ा सा पलटने पे या खींचने पे ये लाइनिंग आ जाए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि कफ को मोड़ना नहीं पड़ता, जब ऊपर की तरफ मोड़ा नहीं जाएगा तो उस पर खिंचाव नहीं आएगा, तो फॉल्ट होगा नहीं। ऐसे यहाँ पे भी अगर ऊपर साइड में फॉल्ट हो तो भी, या बीच साइड में, यानी जैसे यहाँ पर तीन कफ दिए थे और ये है इसका स्केलर पीसीबी, इस टीवी का जो हमने इस फॉल्ट को सॉल्व किया है। अब फॉल्ट को कैसे सॉल्व किया, इसमें फॉल्ट क्या था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देते हैं डिटेल कि कैसे इसके फॉल्ट को हमने टेस्ट आउट किया और फॉल्ट का सिम्टम क्या था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।